नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधि टेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने सरफेसी एक्ट 2002 के सेक्शन 17 के अंतर्गत अगर आपने बैंक के खिलाफ कोई भी केस फाइल किया है DRT में और DRT ने आपके विरुद्ध कोई ऑर्डर कर दिया है और अब आप सोच रहे हैं कि हम DRAT में जाएँ, तो यहाँ पर आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऑर्डर की बात करेंगे, एक ऑर्डर का जिक्र करेंगे जिस पर कि ये कहा गया है कि अब DRAT में अपील करने के लिए आपको 50% पैसा देना होगा। वो 50% पैसा किस तरीके से काउंट होगा ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले हम डिटेल में बताते हैं कि DRAT में आप कब अपील करते हैं, DRT में कब जाते हैं, इन सारी बातों को हम एक साथ आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने कोई भी लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है, मॉर्गेज लोन लिया है, अपनी प्रॉपर्टी लगाई है बैंक में और आपने लोन का इस्तेमाल किया, आपने अपने लोन को पे करने में, रीपेमेंट करने में चूक कर दिया, आपका अकाउंट NPA हो गया, बैंक ने आपको 13-2 की नोटिस दी, 13-2 की नोटिस के बाद 13-4 की नोटिस आती है और आप 13-4 की नोटिस को चैलेंज करने के लिए सरफेसी अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत सेक्शन 17 यानी कि धारा 17 के अंतर्गत आप DRT में केस फाइल करते हैं कि यहाँ पर बैंक ने हमारे साथ गलत किया है, 13-4 की नोटिस है वो भी गलत किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप केस हार जाते हैं, आपके खिलाफ में DRT ने अगर कोई ऑर्डर किया और आपको यहाँ पे परेशानी होती है, तो आपके मन में एक सवाल ये होता है या फिर आपके एडवोकेट साहब एक बात ये कहते हैं कि अब हम लोग इसको DRAT में अपील करेंगे, जो कि DRT का अपीलेंट ट्रिब्यूनल होता है यानी कि उसके ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दें कि DRAT में अब आपको अपील करने के लिए आपको 50% पैसा जमा करना होगा अपने लोन का। लेकिन यहाँ पे जो लोन शब्द है वह किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट में इस बात को कहा है। उस केस का नाम है सिद्धा नीलकंठ पेपर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रूडेंट ARC 2023 का यह ताज़ा मामला है। इस मामले में ये कहा गया है कि अगर DRAT ने बॉरवर के खिलाफ कोई भी फैसला दिया है और बॉरवर उस फैसले से खुश नहीं है, तो यहाँ पर अगर बॉरवर चाहता है धारा 18 के अंतर्गत DRAT में अपील करने के लिए, तो यहाँ पर बॉरवर को उस पैसे का 50% देना होगा जो पैसा बैंक ने क्लेम किया है। अब यहाँ पर बैंक कौन से पैसे को क्लेम करता है ये भी समझने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वह अलग होता है और बैंक जो क्लेम करता है वह अलग होता है। बैंक जो क्लेम करेगा उसमें आपके ऊपर पेनाल्टी प्लस इंटरेस्ट वो ऐड करके वह आपको आउटस्टैंडिंग के रूप में एक बड़ा अमाउंट क्लेम करता है। तो अब यहाँ पे इस बात को भी कहा गया है कि अब इस बढ़े हुए अमाउंट का ही 50% आपको DRAT में पे करना होगा, उसके बाद आपका केस लिस्ट होगा। तो दोस्तों, इस ऑर्डर से भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इस प्रकार के ऑर्डर से बॉरोअर यानी कि कर्जदार समाज को एक ज़्यादा झटका लगने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस प्रकार के जजमेंट को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक ने मनमाने तरीके से पैसे को क्लेम किया है और उस क्लेम का ही आपको 50% देना है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से बैंक कार्रवाई करते हैं, जिस प्रकार से बैंक पैसों का क्लेम करते हैं, वह किसी से छिपा नहीं है, वह सच्चाई यही है कि बैंक बढ़े हुए दामों पे ही आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं बैंकों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है और यहाँ पर कर्जदारों के लिए बहुत ही नुकसानदेह बात है। तो दोस्तों, इस जजमेंट को हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देंगे, आप वहाँ से जा करके इसको चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के ऑर्डर के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।